तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस की जो स्लॉट बुकिंग होती है उसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए जानते हैं कि क्या है प्रोसेस। सारा प्रोसेस तो समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि दोस्तों आप सभी को समझ में आ सके कि आप सभी लोग स्लॉट की बुकिंग जो होती है उसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आरटीओ जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उस प्रिंट को ले जाना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों आप सभी को अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आ जाना है या फिर दोस्तों आप अपने लैपटॉप या सिस्टम पे भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को मोबाइल में बताने वाला हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को डालना है परिवहन, उसके बाद दोस्तों आपको सर्च कर देना है। दोस्तों सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी parivahan.gov.in, इसी पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस, तो यहीं पर दोस्तों आपको मोर पे क्लिक करना है। मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ, ये दोस्तों ऑप्शन है, इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप सारथी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आप जो भी स्टेट के हों, जिस भी राज्य के हों, उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे इसको कट कर देंगे इस पॉपअप को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल ऊपर की ओर करेंगे और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा होगा आप सभी को, प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म, तो इसी पर दोस्तों आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी अप्लीकेशन नंबर जो भी डालना हो वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। तो जिस भी का आप स्लॉट बुकिंग का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं उसका दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लीकेशन नंबर डाल देना है। तो चलिए दोस्तों डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल देनी है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सारे ऑप्शन होंगे, आपके जो भी प्रिंट आउट आपके आरटीओ में लगते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे दोस्तों यहाँ पे आपको दे रहा है। जैसे कि दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म होता है, प्रिंट फॉर्म वन होता है, प्रिंट फॉर्म वन ए होता है, प्रिंट अलाउजमेंट नंबर होता है, प्रिंट स्लॉट होता है, प्रिंट पेमेंट होता है और कैंसिल का बटन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको स्लॉट बुकिंग के लिए कौन सा ऑप्शन चुनना है। दोस्तों स्लॉट बुकिंग के लिए आप सभी को चुनना है प्रिंट स्लॉट अक्लाउजमेंट, ठीक है। तो इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना है अगर आपको स्लॉट बुकिंग का प्रिंट आउट लेना है, अदरवाइज आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चुन सकते हैं। तो स्लॉट की प्रिंट आउट के लिए आप उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपका जो स्लॉट बुकिंग है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि जो स्लॉट बुकिंग है यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे दोस्तों आप डेट भी देख पा रहे होंगे। इसको दोस्तों आपको अगर पीडीएफ में करना है तो यहाँ पे प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों रिडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट वन कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि जो प्रिंट आउट है, जो स्लॉट बुकिंग है, वो दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो इसको दोस्तों आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने स्लॉट की बुकिंग जो होती है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी अगर काम लगता है तो इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रोसेस में कुछ ना समझ में आओ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।